चलिए आज आपको दिखाते हैं फ्लिपकार्ट से खरीदा हुआ प्रोडक्ट, स्टेनलेस स्टील का मिनी मिक्सर ग्राइंडर। ये है आपका पैकेजिंग इसका, ये देखिए, ये है प्रोडक्ट। तो ये है आपका मिनी मिक्सर ग्राइंडर, 300 वाट का है ये, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कैसा है ये मिक्सर ग्राइंडर मिनी। तो ये है आपका प्रोडक्ट मिनी मिक्सर ग्राइंडर, स्टेनलेस स्टील का है ये। ये प्रोडक्ट जो है आपको दिखा देते हैं, वन यूनिट है इसमें, कोई डिटैचेबल यूनिट है नहीं इसमें, वन यूनिट 300 वाट का है ये। आप देख सकते हो कैसा है ये ग्राइंडिंग का ब्लेड, 300 का है। वन बटन स्विच है, ये देखिए आप, स्विच वन बटन है और 10 से 30 सेकेंड्स में आपका ग्राइंडिंग कंप्लीट हो जाता है और 20 सेकेंड हाई स्पीड ग्राइंडिंग होता है। कैसा ये काम करता है और इसका क्वालिटी कैसा है ये भी आपको दिखाते हैं चला के। अभी आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको बता दें ये कॉर्ड बहुत ही शॉर्ट है। थोड़ा सा काजू इसमें हम ग्राइंड करेंगे, तो मिक्सर ग्राइंडर मिनी मिक्सर ग्राइंडर में काजू दे दिए, तो सब कवर अप करके। वन बटन स्विच है इसका फ्रंट में, ये वन बटन स्विच, इसको हम करेंगे, देखते हैं कैसे होता है काम। आपको बता दें ये बटन छोड़ देंगे तो बंद हो जाता है, तो आपको बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा। बटन प्रेस करके रख के आपको मिनी मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड करना पड़ेगा। देख पा रहे हो मिनी मिक्सर ग्राइंडर 300 वाट का है, वन बटन यूजेज है, इसको प्रेस करके आपको ये मिक्स करना है। जैसा हम दिखा रहे हैं आपको काजू, काजू हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं, तो कैसा ये इसका रिजल्ट है वो आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए काजू को ग्राइंड करके पूरा इसका निकाल के रख दिया है, बहुत ही अच्छा है। अब कितना दिन तक चलता है वो आपको हम बाद में बताएंगे रिव्यू करके। देखिए काजू पूरा ग्राइंड करके पूरा ये पेस्ट बन गया है, पूरा पाउडर हो गया काजू का, पूरा पाउडर। तो अच्छा ही है मिनी मिक्सर ग्राइंडर।